This step-by-step improvement, you want us to believe that? Officers be so heartless. She's charged of 212 only. We direct the entire police station to be placed under suspension right now. You are a lady, and how your officers have behaved with women, what have you done till now? 4:15 a.m., she's brought to the police station with a child. Can you bring the woman to the police station for interrogation at night? Your Lordship, at around 4 a.m., it is pretty bright. Again, you are trying to tell us what is day and what is night. Could your officers not have waited for 2 more hours? Now, please don't make us comment. This step-by-step improvement, you want us to believe that? All right, we direct registration of FIR immediately against your officials. We direct the entire police station to be placed under suspension right now. वीडियो में अभी आपने पूरे थाने को सस्पेंड करने की बात कहते हुए जिन्हें सुना वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संदीप मेहता हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जज साहब ने पूरे थाने को सस्पेंड करने की बात कह दी? तो चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल असम के धुबरी जिले के बिलासीपारा में स्थानीय पुलिस ने 25 मई की रात को एक शख्स की हत्या के आरोप में कथित आरोपी शहजान अली को जो है तलाश कर रही थी पुलिस, और सुबह करीब 3 बजे उसके घर पहुंच गई। उस दौरान उसकी पत्नी जो है वो रुपया खातून और उसका 2.5 साल का बच्चा है उसको पुलिस अरेस्ट करके थाने ले आई सुबह 3 बजे के आसपास। पुलिस पर आरोप है कि उसने महिला और उसके 2.5 साल के बच्चे को 6 दिनों तक हिरासत में रखा। दिलचस्प बात यह है कि बिना किसी FIR के पुलिस ने महिला को कस्टडी में रखा। इसके बाद 2 जून को पीड़ित महिला का जो भाई है रफीकुल मंडल, उसने गुवाहाटी हाईकोर्ट का रुख किया, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को जम के सुनाया। मामले की सुनवाई के दौरान जब गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संदीप मेहता ने पुलिस से पूछा कि किसी महिला को सूर्यास्त के बाद जब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता तो इस मामले में आप सुबह 3 बजे कैसे पहुंच गए, और तो और महिला के साथ उसके 2.5 साल के बच्चे को भी थाने ले आए। आपके पुलिस अधिकारी बहुत निर्दयी हैं क्या? आप लोगों को CRPC और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में नहीं पता है? इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस ने पुलिस की ओर से पैरवी कर रहे वकील से बाकायदा CRPC के सेक्शन 46(4) भी पढ़ने के लिए कह दिया। पुलिस की ओर से मौजूद वकील ने कहा कि सुबह के 5 बजे जो है रात नहीं होती है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हमारी घड़ी अभी भी यही बताती है, वो भेदभाव नहीं करती और हम अलग टाइम जोन में नहीं हैं। पुलिस के स्तर के बाद चीफ जस्टिस इस घटना में शामिल सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ FIR के निर्देश दे देते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि महिला को सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया गया, तब जज पूरे थाने को ही सस्पेंड करने की बात कह देते हैं। इस दौरान धुबरी जिले की SP अपर्णा नटराजन भी कोर्ट में मौजूद थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुबह 4 बजे काफी उजाला था। इस पर चीफ जस्टिस कहते हैं कि आप हमें ये बताना चाह रही हैं कि कब सुबह होती है और कब रात। जज ने पूछा कि क्या आपके ऑफिसर 2 घंटे और इंतजार नहीं कर सकते थे? आप खुद एक महिला हैं, आपके अफसर एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? आपने अब तक इस मामले में क्या किया? इस पर SP ने कोर्ट के सामने अपनी गलती की माफी मांगी। इस दौरान चीफ जस्टिस ने पूरे थाने को सस्पेंड करने का आदेश देते हुए कहा कि आप लोग अपने फेलियर को छुपाने के लिए रात के वक्त एक महिला को हिरासत में लेते हैं। हालांकि जब हमने 2 जून को हुई इस सुनवाई के बाद कोर्ट के ऑर्डर को खंगाला तो उसमें कहीं भी पूरे थाने को सस्पेंड करने का कोई आदेश नहीं दिखा। लेकिन 10 जून को असम के गृह विभाग ने धुबरी जिले की SP अपर्णा नटराजन का ट्रांसफर लचित बोरफुकन पुलिस अकेडमी में कर दिया था, और उसके 2 दिन बाद बिलासीपारा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज ज्योतिर्मय का भी ट्रांसफर डेरगांव कर दिया था। अब एक जरूरी अपडेट, जब हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा था तो पुलिस वालों ने महिला और उसके 2.5 साल के बच्चे को छोड़ दिया था। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।